नेटो की जो सप्लाई पाकिस्तान से होती है वो पाकिस्तान के अलावा कहीं और से नहीं हो सकती, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से होगी। और इसमें मरने वाले जो लोग हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। तहम इसमें अमेरिका को कोई जानी नुकसान नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका जो है वो मुसलमानों का कभी दोस्त नहीं हो सकता। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो कश्मीर के अंदर जो जिहाद हो रहा है उसमें हमने जो सोचा था कि अब पाकिस्तान में जमहूरियत आई है तो हो सकता है कि जो कश्मीरी हैं उनके हवाले से बातचीत हो, लेकिन उसमें कोई बातचीत नहीं हो सकी। तहम अमरीकी जो कश्मीरी हैं वो अपने खुद अरादियत जो है उसी के हवाले से आज भी वो उनकी जंग जारी है। इस दौरान उन्होंने आज अपनी तकरीर में खासतौर पर मुतहदा कौमी मूवमेंट जो उसे सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुतहदा कौमी मूवमेंट जो है वो एक सियासी जमात नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने हुक्मरानों पर वाजिया किया है कि वो अमरीकी पॉलिसियां जो उन्हें तब्दील करें। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा अगर पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपनी पॉलिसियों में तब्दीली ना की तो हमारा जो धरना है वो इस्लामाबाद में होगा। जी अच्छा, आप ये बताइए कि ये इस वक्त जो धरना जारी है अदबी लिहाज से अगर देखा जाए तो कितने अफराद इसमें शामिल हैं? देखिए धरने का धरना जो है वो खत्म हो चुका है। आज नमाज मगरब के बाद ही धरने का इख्तिताम हो चुका था, लेकिन आज दूसरा जो धरने का था इसमें हजारों की तादाद में आज खवातीन ने भी शिरकत की है। और इसका मैं ये इसलिए नहीं कह सकता कि कितने लोग होंगे, हजारों की तादाद में लोग थे और कल से आज ज्यादा लोगों की तादाद जो थी इसमें थी। और इसमें कल खवातीन इस धरने में नहीं थी, लेकिन आज खवातीन और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद जो थी उसमें धरने में आज शिरकत की है। जी अच्छा, ये बताइए कि आपने बताया कि हजारों की तादाद में आज जो लोगों ने इस धरने में शिरकत की है अमरीका के खिलाफ या अमरीकी मुदाखलत के खिलाफ ये जो धरना जारी है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बताइए कि कितने सिक्योरिटी एहलकार हैं जो कि तैनात किए गए हैं अमनोमान को काबू में रखने के लिए किसी भी नाखुशगवार वाकये से जो है वो नबरदाजमा होने के लिए? कल भी जो है सैकड़ों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार जैसे उन्हें तैनात किया गया था। आज भी इस हवाले से सिक्योरिटी जो है उसे इंतहाई सख्त वो किया गया था। पुलिस रेंजर्स की भारी मात्रा में तैनात थी, लेकिन जमात इस्लामी के अपने कारकुनान थे वो खसूसी तौर पर इस गर्मी के मौका पर सिक्योरिटी के जो खिदमात थे वो अंजाम दे रहे थे। लेकिन ये वाहि जमात है जिनके जो कम ही पुलिस और रेंजर्स जो है उनसे सिक्योरिटी मांगती थी, उनके कारकुनान जो है उनके अंदर अपने अंदर जो है वो बहुत बड़ा नजूल है चौथा है। इस हवाले से सिक्योरिटी के जो इंतजाम है इनके कारकुनान जो है वो खुद ही संभालते हैं। जी अच्छा, आप ये बताइए कि ये धरना दिया गया है और धरने की वजह से रोड जो है वो भी ब्लॉक है, जो ट्रैफिक का निजाम है उसको क्या मुतबादल रास्ता दिया गया है? देखिए जो एमएसएन रोड पर ये धरना दिया गया था तिब्बत सेंटर पर, तो कल भी जो धरना दिया गया था उसके मुतबादल जो रास्ते थे वो दे दिए गए थे। कहा जमात इस्लामी के तहत ये जो धरना था इसका एक हफ्ता पहले ही कराची दर्जन मकाम पर इन्होंने कैंप लगाकर उसमें ये आवाम से ये अपील की थी कि इतने बजे हमारा ये धरना होगा। उस वजह से आवाम ने पहले से ही मुतबादल रास्ते जो खुद से वो उनके जाना शुरू कर दिया था। आज जो है वो इतवार का दिन था, लोग घरों से बाहर कम निकले थे, सरकारी तौर पर छुट्टी थी, इसकी वजह से आज ट्रैफिक को भी इतना वो लोगों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ट्रैफिक बहुत बहुत शुक्रिया आपका तलत हुसैन तफसला से हमें आगाह करने का। तलत हुसैन हमें तफसला से आगाह कर रहे थे पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी की जानिब से एक धरना दिया गया, आज दूसरे रोज भी यह धरना जारी, हजारों की तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की, सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार इस धरने को तहफ्फुज देने के लिए वहां पर तैनात हैं। और इसके अलावा जमात इस्लामी के अपने कारकुनान भी हैं जो कि अमन अमान को कंट्रोल करने के लिए और किसी भी नाखुशगवार वाकये से नबरदाजमा होने के लिए या उसकी रोकथाम के लिए वहां पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं।